ना I20 CNG वाली है। हाँ, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस उसी का आनंद आया जिसकी वजह से CNG में 33,700 रुपए का पेट्रोल। अच्छा, तो ये तो मतलब एक किट लगी जाती है उसमें ना। बिल्कुल पक्की। दोस्तों आज जो है CNG लगने के लिए आई थी ऑल न्यू होंडा सिटी BS6। ये जो आप देख रहे हैं इसका BS6 मॉडल है VX, जो कि अच्छे खासे 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के संग आता है। इसमें CNG लग चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओवरव्यू, जो CNG में इसमें आपको क्या क्या कंपोनेंट जो है कहाँ कहाँ फिक्स मिलते हैं और कितने जो 501 लीटर का जो बूट स्पेस है उसमें जब CNG टैंक आता है तो कितना ओवरऑल स्पेस बचता है। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रंट में मैं आपको पहले ये बोनट लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इंजन की बात करें, इंजन आपको इसमें IVTEC देखने को मिलता है, वो भी 1498 cc का ऑलमोस्ट 1.5 लीटर वाला इंजन देखने को मिला है, जो कि 119 BHP की पावर 145 न्यूटन मीटर टॉर्क के संग प्रोड्यूस करता है। अब इस इंजन में क्या है, होंडा का इंजन आपको पता ही है काफ़ी साइलेंट होते हैं और काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। अब इसमें CNG लगाना और काफ़ी बेनिफिट रहता है, क्योंकि इनका एवरेज भी काफ़ी अच्छा खासा नहीं रहता है, ऑलमोस्ट 11 से 12 तक का रहता है। और यहाँ अगर मैं दिखाऊँ, 4 सिलेंडर गाड़ी है, तो इसमें आपको फिलिंग बॉल कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, मीजो की हाई प्रेशर वाली जो इसमें जो किट आती है हाई प्रेशर रिड्यूसर के संग इटालियन ECU वाली, वो किट लगी है इसमें। थोड़ा रोड साइड वीडियो बना रहा हूँ तो मैनेज कर लेना, क्योंकि साउंड आ सकता है। तो इंजेक्टर रेल्स आपको यहाँ फ्रंट में देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ रिड्यूसर ये रहा, मैप सेंसर ये रहा, बाकी कंपोनेंट के काम आपको बताई हैं, रिड्यूसर का काम, गैस का प्रेशर रिड्यूस करके इंजेक्टर रेल्स में भेजना। इंजेक्टर रेल्स क्या करती है, मैनिफोल्ड के जरिए अंदर सिलेंडर्स में गैस इंजेक्ट करती है। बाकी ECU दिखाऊं मैं, तो ECU आपको यहाँ फ्रंट में देखने को मिलेगा विद एडवांसर के साथ। एडवांसर हमने इसमें लगाया, एडवांसर लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्या है पिकअप काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है। तो यहाँ ओवरऑल देख सकते हैं आप। अब बाकी बूट में देखते हैं बूट स्पेस इसमें कितना कवर अप हुआ है। तो बाकी ओनर साहब यहीं पे हैं, अंकल जी हमारे। तो बूट आप देख सकते हैं इसमें होंडा सिटी में अच्छा खासा 500 लीटर का जो है बूट स्पेस आता है। और स्पेस भी आप देख सकते हैं, जब सिलेंडर 14 केजी का सिलेंडर है जिसे कवर अप कर रहा है हमने पूरा, और इसमें फिटिंग भी काफ़ी अच्छा आई है, और बैग भी आराम से आ सकते हैं अंकल जी, है ना। खाली जगह, हाँ, काफी जगह है, लगेज वगैरह काफी आ सकते हैं। बाकी अंकल जी हमारा, अंकल जी एक बार नाम बता दो। गुरुदेव सिंह। गुरुदेव अंकल है यहाँ पे, बाकी थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे। CNG पे क्यों आना पड़ा अंकल जी को? 2 से 3 दिन में एक्सपीरियंस दूंगा। वैसे सुनने में काफी तारीफ सुनी है कि होंडा सिटी, और केवल इसी मकसद की वजह से ली है होंडा सिटी, CNG और लग्जरी गाड़ी इसी मकसद से केवल ली है। पहले मेरे पास ब्रेजा थी, ब्रेजा बेची, डस्टर मेरे पास है। अपने कौन सी I10 भी CNG पे थी ना, I10 भी CNG वाली है। हाँ, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस, उसी का आनंद आया जिसकी वजह से CNG में आया। वैसे आपने पेट्रोल पे भी कितना चला, गाड़ी की तरफ देखने को भी मन नहीं करता। अगर कहता डीजल गाड़ी लेनी है तो उसके नाम से बिल्कुल कांटा की डीजल गाड़ी लेनी है, कोई जो कि मेरी I10 जो है वो 10 मॉडल है। अच्छा। और 10 मॉडल गाड़ी मेरी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि अगर मंथ में अगर 1 से 2 हजार का मेंटेनेंस आए तो बहुत होता है, लेकिन वो भी मेंटेनेंस नहीं है। वो भी बिल्कुल मेंटेनेंस, मैं कहूँगा कि 10 मॉडल का भी 0 मेंटेनेंस है। अच्छा। बाकी सर्विसिंग तो करानी पड़ती है टाइम टू टाइम, बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा है। बाकी आप एक बार फिर से फिर इसका देंगे, एक बार मैं होंडा सिटी दिखा देता हूँ अंकल जी की। VX मॉडल है, सनरूफ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, और ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं एक बार। जो है सिटी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको, वाइट कलर में है फुल, आपको इसमें अलॉयज देखने को मिलेंगे। पीछे मैंने दिखा दिया कितना बूट स्पेस कवर अप होगा, फ्रंट सेक्शन भी मैंने दिखा दिया, बेसिक कंपोनेंट है जो हर एक, जो मेरी आप हर एक वीडियो में देखते रहते हैं। थोड़ा इंटीरियर भी दिखा दूँ, इंटीरियर कुछ ऐसा रहा। देखो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, होंडा की ओर से आती है, तो ये इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा खासा इसमें प्रीमियम है। पुश बटन स्टार्ट है इसमें, और अंकल जी शायद इसमें पेट्रोल में भी कहाँ गए थे, कितने का अपने, मैं उड़ीसा गया, 33,700 रुपए का पेट्रोल। अच्छा, तो ये तो मतलब एक किट लगी जाती है उसमें ना। बिल्कुल पक्का एक किट लगी, तो मतलब अब अपने स्विच हो ही चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल CNG पे स्विच हो चुके हैं। बाकी अंकल जी का एक्सपीरियंस जरूर लेंगे हम आफ्टर 1-2
महीने के बाद, क्यों अंकल जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता रहता हूँ वैसे। बाकी अंकल जी सीएनजी पे तो गाड़ी चलाते ही रहते हैं, i10 है ना अपने पे? हाँ, i10 है मेरे पास। उसी को देखते हुए अंकल जी ने ये जितना सीएनजी मजा मुझे सीएनजी में आया है, पेट्रोल गाड़ी में सीएनजी में आया है, उतना मजा मुझे डीजल में नहीं आया। पहले मैंने इंडिका विस्टा लिमिटेड एडिशन रखी थी, मैंने 4.5 लाख किलोमीटर चलाई, लेकिन वो डीजल थी। उसके बाद में डस्टर मैंने ली, डस्टर फिर मैंने फार्म पे छोड़ दी। उसके बाद मैंने ब्रेजा ली, ब्रेजा भी मैंने लगभग 90,000 किलोमीटर चलाई, लेकिन ब्रेजा भी डीजल में भी मेंटेनेंस दिखा रही थी। लेकिन ब्रेजा बेचने के बाद में लॉकडाउन के आसपास मैंने दिल्ली से पुरानी i10 ली थी, अपने फ्रेंड के वहां से लेके आया था, और 10 मॉडल i10 थी, और नया नया सीएनजी पंप लगा था। लेकिन जब से वो ले ली, अब डीजल वाली गाड़ी की तरफ देखने को मन नहीं। मतलब प्राइस मैं तो 10 मॉडल को भी लेके पंजाब निकल जाता था। अच्छा, अमृतसर और अपना आनंदपुर साहिब और आपका माता ज्वाला जी तक उसी से। मतलब सीएनजी का फुल भरपूर अंकल जी ने फायदा उठाया। सनरूफ भी है इसमें, आप देख सकते हैं। मतलब लग्जरी गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि लग्जरी गाड़ी में सीएनजी नहीं लग सकती, बस लगवाने वाला जिगरा होना चाहिए अंकल जी। क्यों? क्योंकि उसका आनंद भी आपको मिलता है। बिल्कुल। बाकी आज की जो वीडियो थी यही थी होंडा सिटी BX66 के ऊपर। बाकी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।